ऐसे नूडल बनाए हैं। सो गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन, आई एम इन जम्मू। सो मैंने यहाँ पे एक रूम लिया था, तो मैं सुबह ही सामान सेट करना था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो मैं यहाँ पे मैट आ गई। सो मैंने सोचा मैं अभी स्टार्ट कर लेती हूँ, तो अभी मैं सामान खरीद रही हूँ, मतलब ये टोकरी वगैरह का। एंड अभी मेरा मतलब हल्दी मच्छी ये सब मैंने लिया है, अभी वही सामान, अभी तो सारा किचन का ही लिया है। बॉटल्स डन, सब कुछ डन ही हो गया ऑलमोस्ट। सो अब मुझे क्या लेना है, मेरा जो रूम है उसमें मतलब कपड़े वगैरह रखने के लिए जगह नहीं है, तो मुझे एक अलमीरा चाहिए, फोल्डिंग अलमीरा, वो लेनी है। अब बाकी सामान मैं बाहर से लूँगी, बिकॉज मेरा जो मेन बेसिक सामान था वो डन हो चुका है। तो इसमें मैंने टॉवल शॉवल का टॉवल मैट एंड ऑल ये सब लिया है, ये मुझे लेके जा रहे हैं, मैं उसको लेके जा रही हूँ, समझ नहीं आ रही, मेरे पीछे से खुद ही आ रहा है। तो अब मैं देखती हूँ, तो मुझे कुछ और लगा नीट का सामान तो मैं ले लूँगी। मटक रहा है, ये बिटर रहा है। सामान था वो डन हो गया, मैं ग्रीन कराने जा रही हूँ, और मैं ज़्यादा क्लिप्स इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी 10% है और फ़ोन ऑफ हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बता पाऊँगी अभी। चलो थोड़ा थोड़ा ही रूम में आ गई हूँ, एंड बता नहीं पाई कि मैं बताया था फ़ोन की बैटरी लो है, लेकिन अभी भी चार्जर में लगा के ही मतलब शूट कर रही हूँ। अंडे ये सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया है, तो अभी थोड़े टाइम में मैं सेट करूँगी, जब तक फ़ोन चार्ज लगा लेगी, थक चुकी हूँ, थोड़ा रेस्ट करने लगी हूँ, बैठने लगी हूँ, तब तक फ़ोन भी चार्ज रहेगा, देन मैं रूम का सेटअप करूँगी प्रॉपरली। तो अभी सेट नहीं किया क्योंकि अभी सिर्फ जो मैंने वॉशरूम के लिए सामान लाया था मैंने वही लगाया है, अभी मतलब रूम वैसे का वैसे ही है, बहुत गंद पड़ रखी है, उसे भी साफ करना है। जा रही हूँ अभी किचन में कोरी नूडल बनाने, सबको जो भी खाने के बाद में बाकी के काम करूँगी। इसलिए ये भी मैंने आज ही लिया है, एंड बाकी ये वैसे ही गंद पड़ रखी है, मैंने अभी सेटअप नहीं किया, ये सब न्यू ही लिया मैंने, तो रात की प्लेट पड़ी है मेरी। सो अब मैं कोरियन नूडल बना लेती हूँ। सो मेरे कोरियन नूडल बन के तैयार है, आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे नूडल कैसे बनाए हैं। ऐसे नूडल बनाए हैं मैंने, एक्चुअली इधर से प्लेट में डाला, तो जब मैं प्लेट ऐसे उठाने लगी तो वो काफ़ी स्लीपी थी, तो वो सारी इधर हो गई ऐसे। सो इट्स माय लाइफ, जिंदगी खराब हो गया मेरा। सो अब मैं वापस बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले सामान लाया था, मतलब लाया तो था सामान, बट कुछ ज़्यादा ही सामान हो गया था, तो अभी आधा और लाना है, तो वो लाने जा रही हूँ। तो मैंने नहाया नहीं था, मैंने जस्ट अभी नहाया क्योंकि टाइम नहीं था, सुबह मैं जल्दी उठ के मार्केट चली गई, वहाँ से मैं सामान क्योंकि लाना ज़रूरी था बहुत ज़्यादा इसलिए। तो फिर किचन में जो मैंने गन डाली थी वो साफ की, देन अब मैं फ्रेश वगैरह होकर अभी बाहर जा रही हूँ सामान लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लाइक डस्टबिन ये सब चीज़ें चाहिए थोड़ी थोड़ी, तो वो लेने जा रही हूँ थोड़ा सामान। सो मैं अभी पहुँची हूँ अंदर, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा सामान ले लिया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा सामान लिया इसकी वजह से लेट भी हो गई काफ़ी ज़्यादा, शाम पड़ गई है। सो अभी काफ़ी सारे सामान ऐसे गंद पड़ रखे रूम में, मेरे पीछे देख सकते हैं अभी गद्दे गुद्दे पड़े हैं, मेरी हालत है ये सर रूम की हालत है, वो मेरे कपड़े सब सब गंद पड़ रखा है ऐसे ही। तो मैं करूँगी इसे सेट रात पूरी, इसे एकदम बना के अच्छा वाला, देन मैं सुकून से सोऊँगी।
खाना भी बनाना है, बर्तन है किचन में, कुछ वो धोने हैं क्योंकि कल रात को मैंने खाना खाया था। तो ये मेरी जर्नी है आज। अभी ना मैं फिर से कोरिएंडर बना रही हूँ, मैं दिन वाली गलती नहीं करूँगी जो मैंने दिन को की थी। तो क्योंकि मैंने रूम सेट करना है तो मैं लेट ही सोऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ कोरिएंडर खा लेती हूँ फिर मैं रूम सेट करती हूँ, क्योंकि टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो फिर मैं खाना बना के फिर मैं खाना खा के सो जाऊँगी, है ना, ये भी सिंपल सी चीज़ है। तो ये बन रही है अभी। सो गाइस, मेरा यहाँ नाक के सूरत हाल है, आप मेरे लिप्स देख रहे हो इतने पिंक हैं, आपको पता है इतने पिंक क्यों है? ये मिर्ची की वजह से है। मैं जब बना रही थी तो मैंने बीच में 3x का सॉस डाल लिया था, और मेरे को सब कुछ ब्लर ब्लर दिख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, पता नहीं मज़ा क्यों आ रहा है। मिर्ची बहुत बहुत लग रही है, बहुत गंदे वाले चक्कर आ रहे हैं। ये मेरा चैलेंज प्लस प्लस व्लॉग हो गया, मैं थकी हो गई हूँ। ये मेरे नाक पोंछने भी रखा साथ में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत नाज के सूरत हाल है, अब नहीं खा सकती, वो चक्कर आ रहे हैं। मेरे को बस नहीं चल रहा, एंड मैंने इतनी ज़्यादा खंड लाई है, अब इस पूरी खंड को मैं खाऊंगी। ठूस लिया मैंने मुँह में, थोड़ी जोर बचती है। मुझे बस ये कहना था कि डोंट जज मी, ओके बाय। सो फाइनली नाउ ओके, मेरी डिश भी काफी मर्ची लग रही है। कोरियन नूडल 3x के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और इसकी बातें सुना ही होगा, खाई भी होगी। आई डोंट थिंक सो कि कोई और वो खा सकता है। तो 3x में बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, जोलो चिप्स को भी पीछे मारती है वो। तो मैंने क्या किया, मैंने जो दिन को बनाई थी मैगी, मैंने उसमें थोड़ी सी 3x वाले सारे नूडल डाले थे मसाले डाले। अभी मैंने वापस से जो मैगी बनाने की थी वो दूसरी वाली थी, तो उसमें मैंने 3x का जो सॉस होता है ना मिर्ची वाला, जो वो मैंने डाल दिया, ये सोच के कि इसका खुद का सॉस थोड़ा है इसमें वो डालती हूँ। तो वो करने के बाद जब मैं खाने लगी, मज़ा बहुत आ रहा था, बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बट हालत उसने मुझे ज़्यादा ख़राब कर दी, बहुत ही ज़्यादा। आप देख रहे हो मेरे लिपस्टिक जज हो रहा है यार, और ये बता नहीं मेरे लिपस्टिक ना मतलब स्वेल हो चुके हैं थोड़े थोड़े, एंड रेडनेस देखो कितनी ज़्यादा हो गई है मेरे लिप्स पे। ये जस्ट जोलो चिप्स, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ आ रहा है, ये जस्ट कोरियन नूडल 3x का कमाल है। तो अगर आप भी मेरी तरह ये गुलाबी ओंट पाना चाहते हैं ये, तो 3x नूडल खाएं कोरियन। तो मैं सेटिंग कर रही हूँ, सेटअप कर रही हूँ, एंड जब मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बता नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा खप है, तो जब मैं कर लेती हूँ तब मैं उसके बारे को दिखाती हूँ कि मैंने क्या कलाकारी की है। ओके किचन में जाते हैं सबसे पहले। तो खाना मैंने बना लिया, एंड मैंने अपना बिस्तर भी सेट कर लिया है, और अब रूम में थोड़ी सी गंद बचती है जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब, तो ये मैंने उठानी है, मतलब ये और मेरे जो कपड़े हैं ये। फिर उसके बाद मैं फ्रिक
तो अब मैं घर साफ कर लेती हूँ।